तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया हूँ भजनपुरा। आज के एथलीट इतने स्पेशल हैं, ये लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगर आपको कोई लोन लेना ना तो ये दिलवा देंगे। पर सबसे बड़ी बात, ये बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग का क्या फ़ायदा हुआ लोन डिपार्टमेंट में वो जानेंगे, और इनके साथ क्या गलत हुआ वो भी बताऊँगा। क्यों? क्योंकि इनका कोच इनसे बोलता है तेरी औकात ही नहीं, तू कॉम्पिटिशन खेल पाए। तो वो औकात नहीं है, और कब औकात बनी और कब इन्होंने बताई कि मेरी औकात बन गई, वो बात कवर होगी इस वीडियो में। तो स्वागत कर हमारे विनीत भाई का। हाय विनीत भाई। हाय भाई, कैसे हो भाई आप? मैं बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई आपको देख के बढ़िया। और आज एक चीज़ जानना चाहता हूँ भाई, शुरुआत बॉडी बिल्डिंग की आपकी कब हुई? क्योंकि एक फ़ोटो आ रही होगी यहाँ पे, इनकी बॉडी तो आपको दिख गई होगी कि भाई बॉडी कितनी चपास की भाई। तो भाई शुरुआत कब हुई आपकी? भाई शुरुआत मेरी आफ्टर 12th हुई, जब जैसे पतले होते थे, स्कूल वगैरह जाते थे, तो हम देखते थे कोई हमसे ज़्यादा अच्छा गुड लुकिंग दिख रहा है, उसकी बॉडी है, उसके डोले हैं, तो उसको ज़्यादा मार्केट में प्रायोरिटी दी जा रही है, ज़्यादा इज्जत दी जा रही है। तो हमारा भी शौक होता था कि यार हमारे भी शर्ट डोले से कसे, मतलब होता है ना एक। तो तब मैंने जिम शुरुआत करी अपनी, अपने एक हैं उन्हें गुरुजी माना था हमने, तो उनके पास गए हम। मेरे दोस्त के किसी रिलेटिव में ही थे वो। मैं एक बात बताऊँ तो वहाँ हम गए, वर्कआउट करते थे पतले पतले से, तो हमें पहले तो सप्लीमेंट्स के बारे में पता नहीं था, हाँ कि अंडे खाने, ये खाने, दलिया खानी है, ये सब पता था, अंडे वड्डे खाते थे हम। तो चलता गया चलता गया, फिर हमें सप्लीमेंट्स के बारे में बोला, मैंने भाई सप्लीमेंट्स, तो उन्होंने एक गेनर का डब्बा ला के दिया, जिस गेनर की कीमत होती थी 3,000-3,500 रुपये। आर्नोल्ड का आता था, एक मसल फार्म का आर्नोल्ड। अच्छा, अच्छा। तो वो हमें दिया 6,200 रुपये। 6,200 रुपये भाई, 6,200 में। उसकी कीमत कितनी थी भाई? उसकी कीमत मार्केट में 3,000-3,500 रुपये थी, और वो भी हमें नहीं पता कि 6,200 में वो ओरिजिनल था या नकली था। अच्छा, मतलब आपको ओरिजिनल से भी ऊपर दाम पर ओरिजिनल है क्या नहीं, हाँ ये भी नहीं पता था हमें। तो ठीक है, बच्चे दिमाग थे, ले लिया हमने, कि बालक ही थे, ले लिया हमने, खाया प्रोटीन, बहुत खुशी थी कि अब तो प्रोटीन ले लिया, अब तो बॉडी बनेगी, कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो भाई ये होता है भाई, 20 साल की उम्र में बच्चा जब पहला प्रोटीन का डब्बा खाता है, उसको लगता है कि इसको खाते बॉडी बनेगी, आर्नोल्ड जैसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो आर्नोल्ड ही खा रहा हूँ। सेम फीलिंग थी भाई, सेम फीलिंग थी कि अब तो बॉडी बन गई है, मतलब बॉडी बनेगी, एक्सरसाइज करूँगा, डाइट रखूँगा, मेंटेन करूँगा अपना जिम शेड्यूल, पूरा सब कुछ करा, लेकिन वो 0% रिजल्ट। भाई जीरो क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ भाई? 0% ऐसा इसलिए क्योंकि सप्लीमेंट ही नकली था, क्या काम करेगा, डाइट क्या काम कर लेगी। अच्छा। जो डाइट से वेट गेन होना था वो हुआ हमारा। अच्छा। ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट का काम होता है वो एक्स्ट्राज में आता है, कि वो हमें दुगना दे कि हाँ हम अच्छे से मेंटेन कर पाए, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ। फिर ठीक है, मैंने अपने उनसे जाके बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने मेरे से सिर्फ ये बोला भाई तुम डाइट नहीं रख पा रहे होगे, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तो दूसरा भाई, एक मैं इसको आपको यहीं पे रोकूं, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, कोई साइड इफेक्ट हुआ उस चीज़ को लेने के बाद? उतना हाँ, नकली लेता तो बंदा कुछ ना कुछ होता है बॉडी के अंदर, तो हाँ, आपको कुछ महसूस हुआ उस चीज़ से? हाँ महसूस बहुत हुआ, मतलब पहले तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा लीवर थोड़ा हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, तब पहले स्टार्टिंग में पता नहीं लगा, लेकिन हम वही नकली चीज़ बार बार ले रहे हैं ना, हर महीने हम 10-12 हज़ार का सामान मंगवा रहे हैं, और तो वो नकली डाल रहे हैं, तो हमारे लीवर में दिक्कत आ रही थी। थोड़ा हैवी भी कुछ खा लेता था ना, या मैं वर्कआउट के बाद वो गेनर पी लेता था, या मैं प्री वर्कआउट वर्कआउट से पहले पी लेता था, तो मेरे को लूज मोशन लग जाते थे, मतलब महीने में 2 हफ्ते में सिर्फ लूज मोशन पे रहता था, पेट में दर्द, रात में रह रह के पेट में दर्द हो जाता था, मैंने नहीं घर वालों को बताया। आपने कभी कोच से डिस्कस किया यार मुझे ये चीज़ हो रही है? मैं डिस्कस करता था उससे, तो वो ये बोलता था कि तुम बेकार का खाना खाते हो। अच्छा। तुम बाहर की तली चीजें खाते हो, ठीक है, और मैंने एक बार इन रियलिटी खाते थे कि नहीं खाते थे भाई? मैं इन रियलिटी कुछ नहीं खाता था, मेरे को शौक था बॉडी बनाने का। अच्छा। मेरा गोल था एक बॉडी बनाने का। एक बार की बात है, मैंने सामान मंगवाया, तो उसने मेरे को काव्स ला के दिया और एक सिंथासिक्स का डब्बा ला के दिया। अच्छा। ठीक है, तो मेरे पास उसने बिल बनाया 7,500 रुपये का, तो मैंने उससे बोला कि भाई मेरे पास 4,500 रुपये पड़े हैं, वो ले लो आप, बाकी 2 महीने बाद ले लेना। तो उसने पूरे जिम के सामने मेरे को बेइज्जत करा कि जब पैसे हो ना तब सामान ले लियो। अच्छा। ठीक है, वरना मेरा 6,000 का बिक रहा है तेरा सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन। अच्छा। इसने ये बोला, मैंने बोला ठीक है भाई, वो चला गया जिम से। जिम एक बच्चा पढ़ाता था, तो मैं उस डब्बे को देखने लग गया, तो उस कार्स के डिब्बे पे लिखा हुआ था मेड इन सभापुर, मेड इन सभापुर विलेज। अच्छा, घर के पास ही जो ये सभापुर विलेज। अच्छा। अपने भजनपुरा से आगे। अच्छा। तो अगले दिन वो आया, मैंने ये सोचा कि यार ये 2,500-3,000 रुपये का मेड इन सभापुर विलेज वाला दे रहा है मेरे को काब्स। अच्छा। प्रोटीन का मेरे को पता नहीं था कि वो असली नकली है। ठीक। अच्छा। है, मैंने मंगवा लिया था। अब मेड इन सभापुर वाले काब्स में मैं अगले दिन उससे जब बोला ना, तो उसने मेरे से छूटते बोला ले पैसे वापस ले ले, अब तू पढ़ने भी लग गया डब्बे। उसके बाद मैंने वो वापस कर दिया। अच्छा। मैंने अपने पैसे ले लिए, मैं बाहर से सप्लीमेंट लिया। एक चीज़ और थी उसकी, जैसे मैं बाहर से अपने सप्लीमेंट्स ले लेता था किसी शॉप से ना, तो वो बच्चों से ये बोलता था कि अगर मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ तो मैं इसे घटा भी सकता हूँ। अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली वो मेरी एक्सरसाइज जैसे करदा, जैसे बिगिनर नहीं होते, जैसे हाँ भाई 4 सेट मार ले चल,
छुट्टी, चार एक्सरसाइज छुट्टी, चल ये मेरी एक्सरसाइज करवा देता था, क्योंकि उसे पता है कि मैं बाहर से सप्लीमेंट ले रहा हूँ, उससे नहीं ले रहा। अच्छा, एक बारी क्या हुआ कि हाँ मैंने ली थी एनाबॉल ली थी। अच्छा, एनाबॉल मैंने मुंह में डाली थी, तो उसने मेरे मुंह से निकलवा के बाहर ऐसे हाथ में पकड़ के देखी, ये तू बाहर से सामान ले रहा है। अच्छा, सालो मर जाओगे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा, ऐसा बोला उसने। अच्छा, सालो मर जाओगे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा, उसने मेरे को बोला चल जिम से निकल जा। अच्छा, जिम से भग जा यहाँ से। अच्छा, मैम निकल गया, ठीक है। उसके बाद उसका सामने से फ़ोन आया, मैं गया दोबारा, ठीक है। तो वो मेरे से मतलब किल्सा पड़ा था उसके, मैंने बहुत हेल्प करी। हेल्प कैसे करी भाई आप? हेल्प मैंने ऐसे करी कि उसका जिम शिफ्ट होना था, मैंने शिफ्ट करवाया, लोन करवाया, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके बाद उसकी मशीनें रात रात भर 5-5, 6-6 बजे तक कोई नहीं करता, मैंने कंधे पे रख के या कैसे भी करते हैं मशीनें शिफ्ट करवाई उसके दूसरे जिम में। उसके जिम देखता था बैठ के, पेंट हो रहा है, चल भाई नहीं आ रहे, मैं देख लेता हूँ पेंट हो रहा है, सही हो रहा है, लेबर सही कर रही है नहीं कर रही, बहुत सारी हेल्प करी। जैसे जो अपना करता है, जो अपना मानता है वो करता है, ठीक है। धूप में भाग रहे हैं, बिना खाए पिए मैट लेकर आ रहे हैं, सब लेकर आ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इन रिटर्न कुछ नहीं मिला? इन रिटर्न मेरे को कुछ नहीं मिला। और एक बार की बात है कि एक्सरसाइज कर रहा था मैं अपना, तो उसके एक चेले से मेरी कुछ बहस हो गई थी, तो एक लड़का था, जैसे होता है कि थोड़ी बहुत मसल बन गई, तो एक लड़के ने मेरे से ऐसे ही बोला कि भाई अपना ट्रेनिंग कर लो, आप अच्छा खेल जाओगे। अच्छा, तो ये बात उसने सुन ली, उसने जिम में 50-60 बंदे थे, उन सबके सामने उसने ये चीज़ बोली कि इनकी औकात नहीं है ट्रेनिंग करने की। अच्छा भाई, ये चीज़ बोली आपने? हाँ, इसने ये चीज़ बोली कि इनकी औकात भाई की हिट हुई उस चीज़ को दिमाग बहुत हिट हुई। मैंने उसी टाइम मैंने डंबल छोड़ा, मैंने अपनी बाइक की चाबी उठाई, फ़ोन उठाया, उसने बोला कहाँ जा रहा है, मैंने कहा जा ही रहा हूँ, औकात दिखा के लाऊंगा, औकात दिखा के लाऊंगा। मैं बता रहा हूँ कि हमारे जहाँ मैं जिम करता हूँ वहाँ नेबर में एक जिम है, वहाँ पे गया मैं ऐसे ही भाई के पास आने से पहले, जो मेरे भी गुरु हैं जी हैं, उनके पास से आने से पहले गया मैं, तो उनके पास मैं गया, मैंने कहा भाई बॉडी बनानी है। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने बोला तूने डायना लिया क्या? अच्छा, मैंने कहा हाँ डायना लिया मैंने। तो कह रहे ठीक है चल PCD करा ले। डायना की PCD? हाँ, डायना की PCD। अच्छा, डायना बॉल की PCD कि तेरी बॉडी पूरी साफ कर दूंगा पहले, उसके बाद मैं तेरे शरीर में ओरिजिनल सामान डालूंगा, अच्छा सामान डालूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डायना के लिए भी मैं रेडी। मैंने डायना में कितने लगेंगे? कह रहे 2,500-3,000 रुपये लगेंगे। अच्छा, उसमें PCD में। अच्छा, ठीक है 2,500-3,000 रुपये तू मेरे को दे दियो, मैं तेरी PCD कर दूंगा। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा भाई उसके बाद आप क्या बॉडी में क्या सामान दोगे? तो पहले तो बता नहीं रहा, मैंने कहा बताओ तो भाई क्या दोगे, एक बार ही मैं घर वालों से बात करूंगा ना। तो कह रहे देख, तो ये प्रोटीन का डब्बा आएगा एक, और एक डायनाबॉल की टैबलेट आएगी, और स्टेना वगैरह जो भी उसने एक्स्ट्रा टैबलेट बताई थी वो आएगी। तो मेरे दिमाग में थोड़ी हुटी कि मैंने कहा यार ये बंदा डायना साफ करके डायना ही डालेगा। भाई अगर कोई इस भाई वीडियो को देख रहा है, भाई PCT किस चीज़ के लिए की जाती है कमेंट करना, और ये बताना भाई कि डायनाबॉल की PCT होती है, ऐसे नकली कोचों से दूर रहो भाई जो डायनाबॉल तक की PCT करते हैं। अगर मैं कहता हूँ प्रोटीन की कोई PCT करने वाला हो, किसी का कोच प्रोटीन की PCT भी करता है, तो वो भी कमेंट में बताना भाई ऐसे कोच भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते भाई। तो भाई आगे क्या हो भाई? फिर मैं वहाँ से निकल के, मेरे को एक बात हिट कर गई थी उसकी कि मेरे को अब तो बॉडी बनानी है, मेरे को स्टेज पे चढ़ना है, ठीक है। मैं अपने भाई के पास आया। भाई मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भाई, कितना खर्चा करा उस कोच के पास आपने? होता ना कि यार मैंने इसको इतना दे दिया था और उस चीज़ का नुकसान मैंने झेला। मैं बता रहा हूँ कि जब भी मैं उसके पास जिम करता था, मैं हर महीने जब भी सप्लीमेंट मेरा 10-12 हज़ार रुपये हर महीने के मेरे जाते थे। अच्छा, और 1-1.5 साल ये गए हैं। अच्छा, ठीक है। कभी लेट जाते थे, कभी पहले जाते थे, मतलब वो था कि लेट भी ले लेता था क्योंकि बचता था उसे सामान। अच्छा, नकली सामान मिलता था तो जाहिर सी बात है बचेगा, तो वो लेट भी ले लेता था, लेकिन फिर वो जलील भी करता था सबके सामने। तो लेकिन एक बात फिर मेरे मन में बैठ गई थी, उसने बोला था कि तू ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, तू कभी बॉडी नहीं बना पाएगा, तेरी औकात ही नहीं है। अच्छा, कि तेरी औकात ही नहीं है कि तू कभी बॉडी भी बना पाएगा। मैं अब जब बनाई तो पूछना था कि तेरी औकात बन गई कि नहीं बनी? अभी मैं जब बॉडी बना ली थी मैंने, तब मतलब मेरे को मिला था कहीं वो। अच्छा, तो मेरे से मतलब बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं इग्नोर करके उसे चला गया। अच्छा, ठीक है, ये अभी जस्ट 1-2 महीने पहले की बात है, ठीक है। फिर भाई मैं इस चीज़ से हटके बात करता हूँ, आपके करंट कोच की भाई, करंट कोच कौन है भाई आपका? मेरे करंट कोच है मेरे गुरुजी अंकित डेड़ा, ठीक है। CRB जिम के नाम से इनका जिम है भजनपुरा मार्केट में। और मैं जब भाई के पास आया ना, मैंने भाई से ये नहीं बोला, मैंने भाई को कुछ नहीं बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। भाई ने मेरे से ये बोला, मैंने भाई ने भी PCT करवाने की करी नहीं, भाई ने मेरे से ये भी नहीं बोला कि मेरे से एक प्रोटीन का डब्बा ले। अच्छा, हाँ अच्छा, भाई ने मेरे से ये भी नहीं बोला। मैं भाई के पास आया, मैंने कहा भाई बॉडी बनानी है, तो भाई ने मेरी टी शर्ट उतरवाई और मेरे से बोला तू ट्रेनिंग कर, मैं बनवाऊंगा तेरी बॉडी। इन दोनों कोच में डिफरेंस ये था, जो काटने वाले कोच होते हैं ना, वो हमेशा आपको फोर्स करेंगे कि सप्लीमेंट मेरे से लो। अच्छा,
मैं किसी भी चीज़ के बारे में जाके पूछूं, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, चाहे वो इंजरी का पेन क्यों ना हो, बॉडी बिल्डिंग में इंजरी होती है, तो उसका रिप्लाई ये होता था कि मेरे से सप्लीमेंट ले ले, प्रोटीन ले ले, इंजरी खत्म, मतलब ये टैबलेट ले ले, वो टैबलेट, हाँ इंजरी खत्म, प्रोटीन से इंजरी खत्म, ये तो प्रभु है ऐसा शब्द, हाँ प्रोटीन दे के इंजरी खत्म कर देते हैं। अच्छा भाई। और मैं भाई के पास आया, भाई ने मेरे से ये बोला कि तू ट्रेनिंग कर, लेकिन भाई ने मेरे से ये नहीं बोला कि तू सामान अभी मंगवा, भाई ने बोला कि पहले तू मेरे को मेहनत करके दिखा कि तू इतनी मेहनत कर पाएगा नहीं कर पाएगा कि मैं तेरी ट्रेनिंग करूँ। अच्छा, तो भाई ये डिफरेंस है, अगर कोई समझ पाया तो वेल एंड गुड, जो नहीं समझ पाया तो वो उसी पुराने कोचों पे जाएगा जो बताएगा भाई कि अगर आपके दर्द हो रहा है तो तू प्रोटीन पूरा नहीं खा रहा, और अगर तेरे दाने निकल रहे हैं तो तू घर की डाइट नहीं खा रहा, और इन्हीं चक्रों में फंसा रह जाएगा। अपने आप को वहाँ से निकालो, अच्छा कोच पकड़ो, मेहनत करो। एक बार मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल पूछता हूँ ताकि अगर कोई 45 किलो का लड़का है जो मन में होता ना कि घबराता है कि यार मैं 45 किलो का मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी सवाल हो, एक लड़का भी अगर इसे पूछने जाता है पूछे, और अगर ये वीडियो उस तक पहुँचती है तो उनको मैसेज मिलता है तो बहुत बढ़िया। बात करते हैं भाई, विनीत भाई एक बार अपना हैंडल बता दो इंस्टाग्राम हैंडल। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है vineet_16 के नाम से, ठीक है, मैं भाई को भी दे दूँगा, भाई टैग कर देंगे उसे। भाई मैसेज करो, कुछ क्वेरी पूछो, और इस वीडियो को ऐसे ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जिनका गलत हुआ है, ताकि वो भी सामने आए और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ अगले बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।